Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम हमारी अतीत की बुक है जो हमारी उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे थे भोजन संग्रह से उत्पादन तक. ठीक है, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से तुषार के माइंड में ये विचार आया कि जब मानव के पास तेज गति से तेज रफ्तार से चलने वाले व्हीकल नहीं थे तो क्या मानव यात्रा नहीं करता था. तो हमने जाना कि वास्तव में आरंभिक मानव किन किन कारणों से यात्रा करता था. तो हमने इसके 4 कारण कल पढ़े थे कि मानव क्यों यात्रा करता था. और हम कल बात कर रहे थे कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, किस तरीके से हम आरंभिक मानव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. तो बेटा हमने कल पढ़ा था कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनका इस्तेमाल आरंभिक मानव किया करता था, इस्तेमाल भी करता था और उनका निर्माण भी करता था. यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए. कल भी मैंने आपको ये औजार दिखाए थे ना, ये औजार मैंने कल भी दिखाए थे आपको. ठीक है, इनमें से कुछ औजारों का प्रयोग मानव अब इन औजारों का प्रयोग किस किस लिए करता था. देखिए मानव क्या करता होगा, अब जंगली जानवर हैं तो डायरेक्ट उनको पूरा का पूरा तो खा नहीं सकता, तो मांस को चीरने के लिए, फल फूल को काटने के लिए, है ना. तो इनमें से कुछ औजारों का प्रयोग मानव फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए, पेड़ों की छाल समझते हैं ना, पेड़ का जो तना होता है उसके ऊपर जो छाल होती है उसको छीलने के लिए, और जंगली जानवरों की स्किन यानी उनकी खाल उतारने के लिए करता था. कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे. पहले तो मानव ने पत्थर के औजार बनाए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मानव ने उनके पीछे लकड़ी के मुट्ठे बना दिए. मुट्ठे समझते हैं हैंडल, लकड़ी के उन्होंने हैंडल बना दिए. ठीक है, और लकड़ी का प्रयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था. ईंधन का प्रयोग, ईंधन मतलब मानव आग जलाता था. तो पता है बेटा जब मानव आग जलाना भी नहीं जानता तो मानव ने आग जलाना सीखा कैसे, किस तरीके से मानव ने आग की खोज की. पहले मानव को आग जलानी नहीं आती थी, तो मानव जो था ना रो कच्चा फूड़ी खाया करता था. मानव जो भी उसको फल प्राप्त हो गए, जंगली जानवर, उनको वो ऐसे ही कच्चा खाया करता था. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो आरंभिक मानव था वो बैठा था. ठीक है, और वो बैठा, आपको पता है पत्थर से औजार तो बनाता था वो जंगली जानवरों को मारने के लिए, तो दो पत्थरों से खेल रहा था. खेलते खेलते दो पत्थरों में आपस में रगड़ लगी, तो रगड़ लगने के कारण क्या हुआ, उनमें से एक चिंगारी उठी और पास में ही सूखी पत्तियों का ढेर पड़ा था और उसमें वो चिंगारी जाकर गिर पड़ी. ठीक है, मानव के पास दिमाग तो था, उसने देखा कि इन दो पत्थरों को रगड़ने के कारण एक चिंगारी निकली और क्या हुआ कि चिंगारी निकली और इन सूखी पत्तियों पर पड़ी और आग जल गई. ठीक है, चकमक नामक पत्थर था बेटा वो. तो इस तरीके से मानव ने आग की खोज तो कर ली. मानव ने जब आग की खोज की तो वो आग का इस्तेमाल पता स्टार्टिंग में किस लिए करने लगा, डायरेक्ट खाना बनाने के लिए नहीं किया उसने. पहले ना वो क्या करता था, जब आग जली तो उसको ना सर्दी से राहत मिलने लगी, तो सर्दी से राहत मिलने लगी जब बहुत ठंड हो जाती थी तो वो आग जला लिया करता था. दूसरा रीजन क्या होता था कि उसे रात्रि में डर लगता था कि वो सो रहा हो और कोई जंगली जानवर उस पर आकर आक्रमण कर दे और तो वो मारा ही जाएगा. तो जंगली जानवरों से बचने के लिए या जंगली जानवर जो थे वो आग से डरते थे, उन्हें दूर भगाने के लिए जब वो रात को सोता तो अपने चारों तरफ जो था वो आग को जला लिया करता था. ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, मानव ने ऐसे ही आग जलाकर बैठा था तो जो कच्चा मांस वो खाता था ना बेटा, तो कच्चा मांस उसके हाथ से गिर जाता है. जब वो कच्चा मांस उसके हाथ से गिर गया तो आग में जाके गिरा. अब मानव ने उस आग से उसको उठाने की कोशिश तो की उसने कि मैं इसको आग से निकाल लूं, लेकिन आग से निकालते निकालते तक कुछ टाइम बीत गया क्योंकि आग में हाथ डालना आसान तो है नहीं. जब तक उसने उस मांस के टुकड़े को आग से निकाला तब तक वो भुन चुका था, समझ गए ना, वो पक चुका था मांस का टुकड़ा. और जब मानव ने खाया तो क्या लगा, उसे पहले से ज्यादा टेस्टी भी लगा और खाने में इजी भी लगा. कि जो कच्ची चीज खाते हैं तो बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन जब पकी हुई चीज होती है तो वो सॉफ्ट हो जाती है, है ना. तो मानव को अब पता चल गया कि किस तरीके से मांस को पकाकर यदि वो खाएगा
तो उसको खाने में आसानी भी होगी और उसके साथ साथ वो स्वादिष्ट भी हो जाएगा। इस तरीके से मानव ने आग का इस्तेमाल करना सीखा। ठीक है, तो ईंधन का प्रयोग इसीलिए करता था क्योंकि वो जो आग उसने आग जलानी सीखी तो लकड़ियों का ढेर लगाकर सूखी पत्तियों को जलाकर अपने आप को सर्दी से बचाता था और अपना मांस भी भूनकर खाता था। और इसके साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया करता था। और इसके साथ साथ जो उसने औजार बनाए इनका इस्तेमाल वो किसके लिए करता था, झोपड़ियां बनाने के लिए और औजार बनाने के लिए। कुछ औजार ऐसे थे बेटा जिनसे वो लकड़ियां काटता था ना, पैने होते थे, लकड़ियां काटता था, फिर उन लकड़ियों को वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता था, उन लकड़ियों से वो अपनी झोपड़ियां बनाता था। ठीक है, ये देखिए ये देख रहे हैं आप, ये मानव क्या कर रहा है, देखिए ये पत्थर से खोद रहा है इस जड़ों को, और यहां भी देखिए मानव छील रहा है किसी चीज को, तो पत्थर की नुकीली चीजों से छील रहा है, पत्थर के औजारों का प्रयोग जिससे मानव जड़ों को खोदा करता था या जंगली जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया करता था। तो मानव ने इस तरीके से पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए। अब हम बात करते हैं रहने के लिए निर्धारित जगह। कौन सी जगह थी जहां पर मानव ने रहना शुरू कर दिया? मानचित्र दो को देखो। देखो बेटे ये मानचित्र दो दिख रहा है आपको, क्या देखना है इसमें? लाल तिकोन वाले वे स्थान पुरास्थल हैं जहां आखेटा खास संग्रह के होने के प्रमाण मिलते हैं। इस मैप के अंदर रेड कलर से जो इंडिकेट किया गया है बेटा, वो आपके पुरापाषाणिक स्थल हैं। पुरापाषाणिक स्थल मतलब जहां पर आखेटक खास संग्राहक रहा करते थे। ठीक है, पुरापाषाणिक जहां पे पुराने समय के पत्थरों के औजार मिले हैं हमें। तो देखिए ये आपका मैप है ना, ये मैप में यदि आप नीचे संकेत देखें तो रेड कलर से लिखा हुआ है पुरापाषाणिक पुरास्थल। तो ये देखिए ये है आपका भीम बेटका, हुसुंगी, कुरनूल, देख रहे हैं आप, यहां पर क्या मिला उसको, पुरापाषाणिक पुरास्थल है जहां पर मानव के प्राचीन मानव के रहने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आगे देखिए मानचित्र में सिर्फ गिने चुने ही स्थान चिन्हित किए गए हैं, कई पुरास्थल तो नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। कह रहे इस मानचित्र में जो हमने जगह दिखाई है वो सारी की सारी नहीं है, हमने कुछ ही स्थान दिखाए हैं और कुछ स्थान तो ऐसे थे जो नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, पत्थर के जो औजार बनाए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढा करते थे जहां उन्हें अच्छी से अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिल सके। ठीक है, अच्छी से अच्छी पत्थर मिलने के लिए वो घूमा करते थे। तो बेटा आपकी बुक में ये देखिए, ये दे रखी है, ये पत्थर की चट्टान है, यहां से मानव को अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिला करता था। ये भीम बेटका आधुनिक मध्य प्रदेश की जगह है। तो भीम बेटका जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है, और बेटा ये एक पूरा पाषाणिक स्थल है जो कि आपके मैप में भी दिया गया है, और ये जो कहां पर है, आधुनिक मध्य प्रदेश के अंदर। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। कह रहे आवासीय मतलब रहने योग्य स्थान, और पुरास्थल जो मानव का पुराना स्थल है, ये वो जगह है जहां लोग रहते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे स्थल होते थे जिन्हें यहां दर्शाया गया है, मतलब गुफाएं बनाई हुई थी मानव ने, कंदराएं बनाई हुई थी जिसके अंदर मानव रहता था। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहां उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। अब मानव सोचो जंगल में सोएगा, धूप भी बहुत तेज होती है, तो धूप में रहना, गर्मी के दिनों में, सर्दी में बाहर घूमना, मानव बरसात के दिनों में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उसने गुफाएं बनानी शुरू कर दी पर्वतों के अंदर। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्या और दक्खन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं। कल भी हमने विंध्या की पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था, नर्मदा नदी से ऊपर की तरफ है विंध्या की पहाड़ियां। कह रहे उनके अंदर हमें इस प्रकार की प्राकृतिक गुफाएं मिली हैं जो कि नर्मदा घाटी के पास में है। क्या तुम बता सकते हो कि लोगों ने रहने के लिए ये जगह क्यों चुनी होगी? क्यों जगह चुनी होगी बेटा? क्योंकि एक तो उन्हें सर्दी, गर्मी, बारिश से वहां राहत मिल गई, दूसरा नर्मदा नदी पास होने के कारण क्या हुआ, उन्हें वहां पर पानी भी मिल जाता था, इसीलिए मानव वहां पर रहता था। आगे देखिए शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? तो देखिए बेटा शैल चित्रकला जो है आपकी, ये देखिए ये एक शैल चित्र है, उस समय में मानव इस टाइप का चित्र बनाता था, देख लिया आपने।
इस चित्र के बारे में बताओ कि हमें लग रहा है ना कि इस चित्र के बारे में जैसे कि कोई एक जानवर दौड़ रहा है। देखिए ऐसे लग रहा है हमें, ये एक जानवर दौड़ रहा है और कोई उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भाग रहा है। ठीक है, तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले। मानव ने, आपको पता है ना, पर्वतों में गुफाएं बनाई, तो गुफाओं में हमें कुछ इस प्रकार के चित्र मिले हैं और इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। जंगली जानवर, इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ऐसा लगता है कि मानो ये चित्र अभी ही बोल उठेंगे। जैसा कि मैंने आपको चित्र दिखाया, ऐसा लग रहा है कि एक जानवर, एक जो है पशु भाग रहा है और जो शिकारी है उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे की तरफ दौड़ रहा है, क्योंकि मानव का उस वक्त में काम ही क्या था, शिकार करना। तो जो जो चीजें उसके माइंड में थी उस प्रकार के उसने चित्र अपनी गुफाओं के अंदर बनाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।